क्या शकुंतला देवी मूवी देखी है आपने? वो सही में एक अमेजिंग औरत थी, एक आइडियल वुमन। एक्चुअली एक आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए हमें उनसे सीखना चाहिए। अनअफ्रेड, अनअपोलोजेटिक, कॉन्फिडेंट एंड अ रिस्क टेकर। उन्होंने बहुत बुक्स लिखी इन वेरियस फील्ड्स, जैसे कि मैथ्स पजल, सेल्फ हेल्प, फिक्शन नॉवेल्स, एस्ट्रोलॉजी और तो और इंडिया की पहली बुक ऑन होमोसेक्सुअलिटी 1977 में उन्होंने लिखी। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी इलेक्शन में लड़ी थी वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह, पर हार गईं। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब भी दिया गया है। 1980 में उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 213 डिजिट नंबर्स जो कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चूज किए गए थे उन्हें मल्टीप्लाई करना था, जो उन्होंने बस 28 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। है ना लाजवाब। 1977 में एक शो में उन्होंने एक 201 डिजिट नंबर का, हाँ सही सुना आपने, एक 201 डिजिट नंबर का 23rd रूल अपने दिमाग से कैलकुलेट करके बताया। इसके लिए उन्हें बस कुछ 50 सेकंड लगे और उस टाइम के कंप्यूटर को 62 सेकंड्स लगे थे। अब बताइए, है कि नहीं वो इंडिया की वंडर वुमन। शोज के दौरान वो कई मेंटल कैलकुलेशन की ट्रिक्स करती थी। उनमें से एक पॉपुलर ट्रिक था किसी भी तारीख का दिन बताना। उन्होंने अपनी बुक फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स में इसका सीक्रेट बताया, जो लाजवाब और सिंपल है। जिसे कहते हैं ना, देयर इज नो ग्रेटनेस वेयर देयर इज नो सिंपलिसिटी, गुडनेस एंड ट्रुथ। चलिए देखते हैं उस ट्रिक को। इसके लिए 3 टेबल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। टेबल 1, जिसमें सारे वीकडेज हैं। टेबल 2, जिसमें सारे महीने हैं। और टेबल 3, यहाँ इस टेबल में 1900 से लेकर 2024 तक के सालों की लिस्ट है, पर हर 4 साल के इंटरवल में। अब आप सोच रहे होंगे, अरे बाप रे, इतने सारे नंबर्स कैसे याद रख सकते हैं? इनमें भी एक पैटर्न है जो आप इजीली याद रख सकते हैं। बस याद रखिए कि हफ्ते के 7 दिन हैं। इसका मतलब 22 = 15 = 8 = 1, क्योंकि सारे सेम दिन हैं। उसी तरह 25 = 18 = 11 = 4। 7 ऐड या रिमूव करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, तो हम हर स्टेप में 7 के मल्टीपल निकालते जाएंगे ताकि फाइनल कैलकुलेशन सिंपल हो। टेबल 1 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका फाइनल रिजल्ट जो भी होगा उसे आप टेबल में डालें और दिन का नाम निकाल लें। दूसरा टेबल मंथ का है। इसका पैटर्न नहीं है, पर अगर याद नहीं कर सकते तो इसे कैलकुलेट करना भी आसान है। जैसे जैन को यहाँ हम 0 कंसिडर करते हैं, और क्योंकि इस महीने में 31 डेज होते हैं जो कि 28 से 3 ज़्यादा है, तो फेब बन जाता है 3, और फेब में 28 डेज होते हैं तो मार्च का बन जाता है फिर से 3, और मार्च के 31 डेज से अप्रैल बनेगा 6, और अप्रैल में 30 दिन है, मतलब 2 दिन ज़्यादा, और इसलिए मई बनेगा 8, मतलब 1, जैसे हमने ऊपर देखा था। वैसे ही आप फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डेज ऑफ द मंथ के हिसाब से। और थर्ड टेबल जो ईयर का है, वो भी काफ़ी सिमिलर है। एक ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी कि 364 + 1, जो कि होता है 52 × 7 + 1, मतलब हमारे लिए 1, तो हर साल में 1 दिन आगे मूव होता है। पर लीप ईयर में 2, क्योंकि उसमें 366 डेज हैं, यानी कि 52 × 7 + 2। हमें पता है कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो हर 4 साल में 5 दिन आगे मूव होंगे। तो अगर कैलकुलेट करने वाला साल इन लीप ईयर के बीच में है तो उनका डिफरेंस ऐड कर दें बस। जैसे ईयर 1986, तो ये होगा ईयर 84 + 2, यानी 0 + 2 = 2। अब मेरा एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ, आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो कोई भी डेट लीजिए, जैसे 5th August 2020, तो बस हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स ऐड करेंगे। डेट 5, तो 5 रहेगा। मंथ अगस्त, टेबल से 2 आता है। और ईयर 2020, फिर से टेबल से 3 आता है। तो इनका सम होगा 5 + 2 + 3 = 10, जो कि 3 होता है। टेबल 1 में 3 की वैल्यू है वेंसडे, तो आंसर हुआ वेंसडे। उसी तरह 2nd April 2011, डेट 2nd हुई 2, अप्रैल हुआ 6, और साल 2011 हुआ 2008 + 3, यानी 2 + 3 = 5। तो इन सब का टोटल होता है 13, विच इज़ इक्वल टू 6, विच इज़ अ सैटरडे। तो इस तरह आप ये प्रॉब्लम्स चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लीप ईयर में अगर डेट जैन या फेब है तो इस कैलकुलेशन में 1 कम करिए, क्योंकि February 29 तक लीप ईयर का इफेक्ट नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।